डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज मोहम्मद सुलमान चौधरी ने भारत दर्शन यात्रा से लौटने पर रियासी जिले के छात्रों के समूह के साथ जिला पुलिस लाइन रियासी में औपचारिक बातचीत की। इस मौके पर छात्रों ने दिल्ली और कोलकाता के सप्ताह भर के दौरे के दौरान अपने विचार और अपने एक्सपीरियंसेस यहां पर शेयर किए। छात्र अपनी यात्रा अनुभव और उनके द्वारा देखे गए स्थलों को बताने के लिए बेहद जोश खरोश में नजर आए। इन छात्रों के परिवार वालों ने भी अपने बच्चों के लिए इस तरह के शानदार भारत दर्शन टूर के आयोजन के लिए जिला पुलिस रियासी की कोशिशों की बेहद तारीफ की है। हम पहले बस में गए इधर से जम्मू तक, उधर से ट्रेन में गए दिल्ली तक और नाइट स्टे किया हमने होटल में, और उसके बाद हम इंडिया गेट गए और रेड फोर्ट गए और भी बहुत सी जगह पे गए। हम इको पार्क गए थे और नेशनल पुलिस मेमोरियल गए थे और नेशनल वॉर मेमोरियल गए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले तो हाईली थैंकफुल डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी, जिनने हमें मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी भारत दर्शन टूर के लिए। हमारे साथ सर थे चमन सर, इंस्पेक्टर कुलवीर सर थे, सुनील सर थे, दारा सर थे, मैम थे, विजय मैम थे। तो बीच में मेरा बर्थडे भी आ गया, तो वो भी सर ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। थैंक यू सर, स्पेशल थैंक यू हमारे SSP सर अमित गुप्ता सर को, जिनने मतलब हमें एक मौका दिया। भारत दर्शन टूर जो है ये जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और हर साल की तरह इस बार भी जो है ये टूर ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो बेसिक पर्पस जो इसके पीछे है, ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के पीछे जो उन बच्चों को जो भारत दर्शन टूर करवाया, यही है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, और जो अलग अलग जगह हैं वहाँ का जो खान पान है, फूड कल्चर है, वो उनको समझ सकें। और जो बेसिक थीम इसके पीछे यही है कि जो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इसका जो एक महत्व समझ सकें, क्योंकि हमारा जो कंट्री है इसमें डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है हम सब में यूनिटी है, इसी चीज़ को जो है ये समझ सकें।